मैं हूँ डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे डायबिटिस मलाइटस, जिसको कि आम भाषा में शुगर और मधुमेह भी कहा जाता है। शुगर जो है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें शुगर जो है आपके ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो इसी को जो है डायबिटिस मलाइटस कहा जाता है। शुगर को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हम अपनी डाइट में जो भी लेते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसको इस लायक बनाना कि आपके शरीर के सेल्स उसको यूज़ कर सके। नॉर्मल सी बात है, हम खाना खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, जो जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो सेल्स को मिल पाए आपकी बॉडी के। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, शुगर जो है सेल्स और टिश्यूज़ यूज़ नहीं करते हैं और वो खून में ही जो है घूमती रहती है, इसीलिए इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। अब नॉर्मली शुगर, मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या रहता है। नॉर्मली जैसे शुगर है, हमने खाना खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, नॉर्मली शुगर होता है वो जो है आपकी आंत या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब शुगर जो है लीवर में और मसल्स में डिपॉजिट होती है। अंदाज़ा अप्रॉक्सीमेट आपकी जो है 700 ग्राम शुगर जो है वो डिपॉजिट होती है लीवर में और मसल्स में। उसके अलावा थोड़ी बहुत जो शुगर डिपॉजिट होती है वो आपकी स्किन में या सबकुटेनियस टिश्यूज में होती है। अब तीसरा है कि शुगर जो है शरीर से बाहर नहीं निकलती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो बॉडी उसको बाहर निकाल लेती है, चाहे वो मल के द्वारा निकाले या मूत्र के द्वारा निकाले या पसीने में निकाले। लेकिन शुगर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एक्स्ट्रा भी लेते हैं तो बॉडी में ही डिपॉजिट होगी। मतलब नॉर्मली बॉडी ना तो इसको मूत्र में निकालती है, ना मल में, ना ही किसी और सिस्टम से, ये बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होती है। जितनी भी शुगर होगी वो डिपॉजिट ही होती रहेगी बॉडी में। अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है तो बॉडी जो है शुगर को फैट में कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए जो है शुगर के 70% पेशेंट में जो है मोटापा होता है, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर आप लेंगे ज़्यादा तो आपका जो है बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी। मोटापा, जिसको हम फैट है, वो आपका मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और बॉडी में डिपॉजिट होकर आपका वेट गेन होगा। अब नेचुरल सी बात है, जब शुगर से फैट बनेगा तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा होगा। इसी वजह से शुगर में जो है सबसे पहला कारण जो होता है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना। शुगर ज़्यादा होगी, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा और इसी की वजह से जो है बीपी पे फर्क आएगा, क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा वो जो खून में, जिस खून में शुगर होगी ज़्यादा। अब अगर चीनी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, चाशनी देखे आपने, जब चाशनी बनाते एकदम गाढ़ी, वो क्या है कढ़ाई में चिपक जाती है, उसको बड़ा जोर के हम जो है शक्कर पारे बनाते हैं, ऊपर चीनी की एक परत बन जाती है। तो ऐसे क्या होगा, पहला कारण होगा कि शुगर जो मीठा था वो ज़्यादा हो गया, खून गाढ़ा हो गया, तो दिल को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा उस खून को घुमाने के लिए। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ, शुगर ज़्यादा होगी, बॉडी जो है उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो गया। तो फिर एक हो गया घी ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से भी खून गाढ़ा हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, खून ज़्यादा गाढ़ा होने की वजह से आपके जो खून की नसें हैं उसकी अंदर की जो लेयर है, अंदरूनी लेयर है, उस पर पड़ेंगे स्क्रैचेस, उस पर हो जाएगी इंजरी और फिर बीपी बढ़ेगा। खून जितना गाढ़ा होगा, जितना मोटा खून होगा गाढ़ा होगा, उस उतना ही ज़्यादा प्रेशर से उसको शरीर को, उसको दिल को धक्का लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, बीपी ज़्यादा होगा। और शुगर में क्या होता है, 90 से लेकर 95% केसेस में खून की नसों में ब्लॉकेज होने की वजह से, उनमें इंजरीज होने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी शुगर भी कम होती रहेगी, क्योंकि शुगर जो है आपके सेल्स और टिश्यूज़ एनर्जी के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो बॉडी है वो किसको यूज़ करिए एनर्जी के लिए, फैट्स को या प्रोटीन्स को। और इसीलिए अगर आप शुगर कम लेंगे तो बॉडी को एनर्जी फैट से मिलती है या फिर प्रोटीन से मिलती है, और शुगर जो है उसको जो है बॉडी फैट में कन्वर्ट करेगी। तो आप अगर अपने कोलेस्ट्रॉल को, अपने फैट को कम करेंगे तो उसी से आपकी ऑटोमेटिक शुगर के ऊपर भी रिजल्ट आएगा, मतलब आपकी शुगर भी कम होगी। आपके सेल्स जो हैं वो शुगर को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करते, कारण है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज पेनक्रियाज बनाता है, सिक्रीट करता है इंसुलिन को। अगर इंसुलिन होता है तो ही आपके शरीर के सेल्स जो हैं शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे।
अगर इंसुलिन नहीं होगा तो आपके शरीर जो है शुगर को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करेंगे, वो ब्लड में एक्स्ट्रा इकट्ठी होती रहेगी। नेचुरल सी बात है कि आप डाइट में ले रहे हैं शुगर, लेकिन शरीर इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा डिपॉजिट ही तो होगा ना, तो यही होता है। अब इसमें क्या हुआ, एक तो जैसे हमने बताया कि डायबिटीज़ जैसे होती है दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये मैम हमें कौन सी डायबिटीज़ है, 1 है कि 2 है। देखो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन होता ही नहीं है। इसका कारण ये होता है कि जो पैनक्रियास के सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जब आपके सेल्स 90% तक डैमेज हो जाते हैं फिर आपको लक्षण आने शुरू होते हैं। तो फिर क्या है कि इंसुलिन जो है बहुत ही, मतलब यूँ कह लो कि होता ही नहीं, तो आपके सेल्स और टिश्यूज़ जो है इंसुलिन को यूज़ नहीं करते हैं। अब होता है जैसे टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें क्या है कि इंसुलिन है आपके शरीर में, इंसुलिन बना रहा है पैनक्रियाज आपके शरीर में, लेकिन जो इंसुलिन बना रहा है वो डिफेक्टिव है, आपके सेल्स उसको पहचानते नहीं हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका शुगर जो है ताला है, इंसुलिन उसकी चाबी है, अगर ताला और चाबी दोनों इकट्ठा होंगे तो ही आपकी जो सेल्स है शुगर को यूज़ करेंगे, बिना चाबी के सेल्स जो है उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसमें चाबियां हैं लेकिन चाबियां ख़राब है, समझ लीजिए कि वो डिफेक्टिव है, वो ताले में जा ही नहीं रही है। तो इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका इंसुलिन बन रहा है लेकिन आपके शरीर के सेल्स उसको नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इंसुलिन को शरीर नहीं पहचान रहा, आपके सेल्स टिश्यूज नहीं पहचान रहे, तो शुगर जो है इस्तेमाल नहीं कर रहे सेल्स, तो शुगर ब्लड में ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, शरीर ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा कि उसको लग रहा है कि शरीर में शुगर ज़्यादा है तो शरीर आपका इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा। तो इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में शुरुआत में इंसुलिन ज़्यादा होती है, लेकिन जब आपका इस इंसुलिन को सेल्स टिश्यूज नहीं पहचानेंगे और शुगर आपकी ज़्यादा ही ज़्यादा होती रहेगी, तो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि ज़्यादा शुगर होने की वजह से इंसुलिन जो है वो नहीं बनेगा, पेनक्रियाज के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। इसका कारण यही है कि पेनक्रियाज ज़्यादा काम करता है, पैनक्रियाज ज़्यादा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो आपके शुगर को जो है सेल्स और टिश्यूज तक ले जाए और सेल्स और टिश्यूज उसको यूज़ कर लें, लेकिन उसकी वो जो कोशिश है वो पूरी नहीं हो रही है क्योंकि सेल्स और टिश्यूज नहीं पहचान रहे। तो पैनक्रियाज के ओवर काम की वजह से, ओवर बर्डन पड़ने की वजह से और शुगर ज़्यादा होने की वजह से जो है इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, पैनक्रियाज के सेल्स जो है डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा इंसुलिन बनेगा उतना ज़्यादा जो है शुगर फैट में कन्वर्ट होता रहेगा, क्योंकि सेल्स यूज़ नहीं करेंगे तो शुगर जो है वो फैट में कन्वर्ट होता रहेगा, इसीलिए जो है शुगर पेशेंट मोटापा हो जाता है टाइप 2 में। टाइप 1 में मोटापा नहीं होता है क्योंकि उसमें इंसुलिन है ही नहीं, क्योंकि इंसुलिन शुगर को फैट में कन्वर्ट करता है, तो इसीलिए जो मोटापा होता है टाइप 2 पे होता है, उसमें इंसुलिन बन रहा है लेकिन शरीर नहीं पहचान रहा, लेकिन इंसुलिन की वजह से जो है शुगर फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब फैट में कन्वर्ट होगा तो इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ में कोलेस्ट्रॉल होना आम बात है, बीपी होना आम बात है, ब्लॉकेजेस के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।